बहुजन समाज पक्षानेही संपूर्ण विदर्भात लोकसभेच्या 12 जागांवर उमेदवार उभे करण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र पक्षाच्या कोअर कमिटीने या लोकसभा उमेदवारासाठी SSC, ST, OBC आणि अल्पसंख्याक उमेदवारांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बहुजन समाजाला एकत्र करून सोशल इंजिनिअरिंगला महत्त्व देऊन प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातून तगडे उमेदवार उभे करण्याची तयारी सुरू असल्याचे प्रदेश सरचिटणीस सुनील डोंगरे यांनी सोमवारी पत्रपरिषदेत सांगितलं आहे. आमंत्रित करने के पीछे हमारा जो मकसद है, हमने आप लोगों को प्रेस नोट दे रखी है. आने वाले लोकसभा इलेक्शन के अंतर्गत बहुजन समाज की अपनी जो हमेशा की रणनीति रही है, उसके तहत हम लोग ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जिसमें हम महाराष्ट्र के अंदर सभी बहुजन समाज के वर्गों को एक साथ करके जो एक नेचुरल अलायंस हमेशा बहुजन समाज पार्टी करती है, जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग भी कहते हैं, उस सोशल इंजीनियरिंग के तहत अलग अलग समाज के लोगों को एक साथ करके, जो कि हमारा नारा है जाति तोड़ो समाज जोड़ो के तहत, हम अलग अलग समाज की लोगों को जोड़कर उनकी युति बनाकर इस इलेक्शन को लड़ने वाले हैं. और इसलिए हमने सभी बहुजन समाज के जो SC है, ST है, OBCs है, माइनॉरिटीज़ है, धार्मिक अल्पसंख्याक है, इन सभी समाज के लोगों को हमने आमंत्रित किया है. उनको हम लोगों ने कहा है कि भाई किसी पार्टी के साथ न जाते हुए हमने जो माननीय कांशीराम साहब ने नारा दिया, उस नारे के तहत सभी बहुजन समाज के लोगों को एक धागे में पिरोकर उस समाज को एक करके ही ये इलेक्शन हम लोग लड़ेंगे. और इसलिए ये जो 12 लोकसभा की सीट है जो विदर्भ जोन के अंतर्गत आती है, उस 12 लोकसभा की सीटों में हम सोशल इंजीनियरिंग करके ही सभी लोगों को आपस में मनोमिलन करके भाईचारा के तहत हम ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं. हमारी किसी के साथ युति नहीं है. और आदरणीय परम आदरणीय बहन जी ने ये डिक्लेयर किया है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और फुले बाबा शाहू और मानवतावादी महापुरुषों के विचारों के ऊपर चलने वाली सबसे बड़ी इस देश की पार्टी है. इसलिए हम लोग सारे बहुजनों के हित को आगे रखते हुए एकला चलो का नारा हमारा है. बहन जी, परम आदरणीय बहन जी, जो भी निर्देश देगी, जो भी निर्णय लेगी, उस निर्णय के साथ हम लोग चलने वाले हैं.